हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑर्डिनो यू एन ओ, ऑर्डिनो यूनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, एटमेगा 328P इसमें लगा हुआ है। और आप ऑर्डिनो नैनो भी यूज़ कर सकते हैं, ESP8266, नोड एम से भी यूज़ कर सकते हैं, सेम कोड काम करेगा। तो ये था ऑर्डिनो यूनो। उसके बाद सेंसर, तो फायर सेंसर आज हम इंटरफेस करने वाले हैं। तो ये है फायर सेंसर, 3 पिन है और ये डिजिटल है। हम चेक करेंगे जब फायर हम इसके सामने जब आती है तो ये 0 देता है या 1 देता है। तो 3 पिन है, तो इसके लिए आपको मेल टू फीमेल कनेक्टर जम्पर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्रेडबोर्ड। तो ब्रेडबोर्ड आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेडबोर्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। जम्पर वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेल टू फीमेल एंड मेल टू मेल, ये 2 टाइप के केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इन सारे कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। ये बज़र 5 वोल्ट का बज़र है, क्योंकि ऑर्डिनो का एक्टिव है वोल्टेज 5 है, तो 5 वोल्ट का बज़र हम यूज़ करेंगे। चलिए हार्डवेयर कनेक्शन करते हैं। ब्रेडबोर्ड आपको लेना है, बज़र, बज़र का जो टर्मिनल बड़ी है वो है पॉजिटिव, जो छोटा है वो है निगेटिव। इसे हम एनोड एंड कैथोड भी कहते हैं। तो पॉजिटिव ऊपर वाले कॉलम में लगाना है और निगेटिव नीचे वाले कॉलम में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके ऊपर मार्किंग भी की है, प्लस का साइन आपको दिखेगा। ये 5 वोल्ट का बज़र है। नेक्स्ट ऑर्डिनो यूनो हमें लेना है जम्पर केबल। तो सबसे पहले हम पावर पिन्स को कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड के साथ। तो ये है 5 वोल्ट, जहाँ से हमें मिलता है पॉजिटिव पावर सप्लाई। इस 5 वोल्ट पिन, 5V लिखा हुआ है, इसे मैं कनेक्ट करूँगा ब्रेडबोर्ड के जो ऊपर वाली रो है उसके साथ, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है। वहीं से हमें सेंसर को देना है। नेक्स्ट जो है वो है ग्राउंड। ग्राउंड आपको वैसे तो मिल जाते हैं, फिर भी अगर हम कॉमन कर लेते तो आपके पास बहुत सारे पिन्स अवेलेबल हो जाती है। तो ग्राउंड को मैं इस तरह से कनेक्ट करा, आप देखिए पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव बिल्कुल नीचे, ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे। नेक्स्ट फायर सेंसर। फायर सेंसर के 3 पिन हैं, आप देख सकते हैं D0, ग्राउंड एंड VCC। तो यहाँ मैं मेल टू फीमेल वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। आप इसे ब्रेडबोर्ड पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको कनेक्शंस करने हैं और वन बाय वन हमें वायर कनेक्ट करने हैं, जम्पर वायर। तो पहली जो पिन है वो D0 है, जहाँ वही पिन से हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो ये आउटपुट, ऐसे इनपुट हम देंगे ऑर्डिनो को पिन नंबर 8 को। तो 8 से हम रीड करेंगे सिग्नल। उसके बाद 2 जो पिन बचती हैं वो पावर सप्लाई की पिन है, वो आपको पता है कहाँ कनेक्ट करनी है। तो ब्रेडबोर्ड पे हमने ऑलरेडी 2 पावर के पिन कनेक्ट किए, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो हमें पॉजिटिव के रो में कनेक्ट करना है, जैसे ये ऑरेंज जो है ये निगेटिव है और जो येलो है वो पॉजिटिव है। हो गया, अब पावर सप्लाई भी मिल चुका है सेंसर को। अब बचे हैं वायरिंग बजर की। अब बजर को हमें कंट्रोल करना है, तो उसका एक टर्मिनल ग्राउंड रहेगा और दूसरा टर्मिनल हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव पिन नंबर 9 को। तो 9 को हम कंट्रोल करेंगे, जब फायर होगा तभी बजर ऑन होगा, तो इसके हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और जो दूसरा टर्मिनल है निगेटिव, वो तो कॉमन ही रहेगा। अब जितने भी सेंसर्स एक्चुएटर्स आप कनेक्ट करते हैं उन सभी का ग्राउंड कॉमन होता है। अब देखिए इसका ग्राउंड मैं इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ, वो भी एक ही रो में। अब देखिए नीचे की रो हमने स्पेसिफाई की है फॉर ग्राउंड के लिए। अगर आपको ये वायरिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर्किट डायग्राम भी रेफ़र कर सकते हैं, जिसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए और ध्यान से इसे समझिए। हमने 2 मॉड्यूल्स को इंटरफेस किया है, एक है फायर सेंसर और दूसरा जो है वो है बजर। तो बजर को कंट्रोल करना है और फायर सेंसर को मॉनिटर करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे कॉन्स्टेंट इंटीजर, जो भी पिन, जिस पिन को हमने कनेक्ट किया है बजर को, तो उसकी पिन हमें मेंशन करनी है, बजर पिन। जैसे मैं ले रहा हूँ बहुत ही सिंपल बजर पिन, बजर की जो पिन है पॉजिटिव पिन वो हमने कनेक्ट की है पिन नंबर 9 पर, जो कि डिजिटल है। उसके बाद कॉन्स्टेंट इंटीजर फायर पिन, ठीक है, फायर सेंसर पिन भी दे सकते हैं आप, डिस्क्रिप्टिव जितना रहे वेरिएबल में उतना अच्छा है। इसे हमने किया कनेक्ट पिन नंबर 8 पर। तो कॉन्स्टेंट इंटीजर, कॉन्स्टेंट इसलिए लिया है ताकि ये पिन नंबर फिक्स्ड है, ये रन टाइम पे चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वॉइड सेटअप,
पहला मैंडेटरी फंक्शन है वो होना ही चाहिए। सीरियल कम्युनिकेशन में यहाँ बिगिन कर रहा हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले रीड करना पड़ेगा कि जब मैं उस सेंसर के आगे फायर लेके जाता हूँ तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, वो मुझे भी अभी पता नहीं है। इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन हमें करना है, उसके बाद ही हम कंडीशन लगा के बजर को कंट्रोल करेंगे। पिन मोड दोनों पिन के लिए हमें देना पड़ेगा, दोनों डिजिटल है, डिजिटल पिन भी हमने यूज़ किया है तो यहाँ हमें पिन मोड मेंशन करना पड़ेगा। तो बजर जो है वो है आउटपुट, जब आउटपुट सिग्नल आएगा तभी ही बजर ऑन होगा। उसके बाद फायर सेंसर पिन, फायर सेंसर पिन ये सेंसर है तो ऑब्वियसली वो इनपुट ही रहेगा, तो फायर सेंसर पिन इनपुट ये हो गया। इसके बाद फिर से वॉइड लूप, तो वॉइड लूप मैंडेटरी है और इसी लूप के अंदर हमारा कंट्रोल चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे रीड करना है कि वो सेंसर एक्चुअली हमें देता क्या है, कौन सी वैल्यू देता है कंट्रोलर को, वो जीरो दे रहा है या वन दे रहा है। ऑब्वियसली हमने उसे डिजिटल पिन पे कनेक्ट किया है तो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर, इंटीजर के बाद फायर वैल्यू, ठीक है। आप फायर सेंसर वैल्यू भी दे सकते हैं। अब सेंसर कौन सा है, डिजिटल है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डिजिटल, हमें रीड करना है तो डिजिटल रीड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा, कौन सा पैरामीटर, पैरामीटर होनी चाहिए पिन, हम रीड करते हैं एक पर्टिकुलर पिन से तो पिन कौन सी होनी चाहिए, 8 लिख सकते हैं लेकिन 8 को हमने पहले ही इनिशियलाइज किया है ऊपर फायर सेंसर पिन, ताकि हमें ये कोड देखकर ही समझ जाना, मतलब हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली हम क्या रीड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ तो हमें बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, हार्डवेयर की तरफ देखना पड़ेगा पड़ेगा कि पिन नंबर 8 पर क्या कनेक्ट है। ये हो गया, फायर वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। अब उस फायर वैल्यू को हमें प्रिंट करना है तो सीरियल डॉट प्रिंट ln फायर वैल्यू सेमी कोलन, उसके बाद डीले हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमें वो रीड करना है सीरियल मॉनिटर से, इसलिए डीले की ज़रूरत है। कोड हो चुका है, ये सिर्फ हम पहले रीड कर रहे हैं, अभी तक मैंने बजर का कोड कंट्रोलिंग कोड नहीं किया है। तो पहले हम रीड करेंगे कि वैल्यू क्या आती है, टूल्स में जाना है, हम वो ऑर्डिनो यूएनओ यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्डिनो AVR बोर्ड्स में हमें ऑर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, पोर्ट COM9 यहाँ आया है, ठीक है। अब ये सारे जो हार्डवेयर सेटिंग है वो हो चुकी है, अब मैं इसे अपलोड करता हूँ। कोड अपलोड हो चुका है, अब इनिशियली क्या वैल्यू आती है वो मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है 1, मतलब ये सेंसर एक्टिव लो सिग्नल देता है, जब वो एक्टिवेट होता है तो वो लो सिग्नल देता है। अभी डिफॉल्ट ये 1 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, फायर नहीं है, फायर डिटेक्ट नहीं हुआ है तो ये 1 दे रहा है, जब फायर डिटेक्ट होगा तो ये 0 देगा क्योंकि ये सेंसर एक्टिव लो पे काम करता है। ऐसे कई सारे सेंसर हैं, जैसे IR सेंसर भी है, वो भी एक्टिव लो मतलब 0 देता है जब कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ ये 1 दे रहा है डिफॉल्ट, तो हम कंडीशन लगाएंगे 0 की, इफ़ फायर वैल्यू, तो फायर वैल्यू में ही वो वैल्यू आ रही है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना है, बजर को ऑन करना है। तो बजर डिजिटल पिन पे कनेक्ट है तो डिजिटल राइट, क्योंकि हमें राइट करना है सिग्नल, हाई सिग्नल देना है तो बजर पिन कॉमा हाई भी लिख सकते हैं या फिर आप 1 भी लिख सकते हैं। एल्स अगर फायर नहीं है तो बंद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फायर डिटेक्ट हो जाता है तो कुछ समय के लिए वो फायर, मतलब जैसे वो बजर ऑन रहना चाहिए, तो मैं डिले डाल देता हूँ 5000 मिली सेकेंड्स का, मतलब है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। उसके बाद अगर फायर नहीं है तो वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ मैं डिले दे देता हूँ बाहर, ठीक है, सबसे बाहर मतलब लूप में डिले दे रहा हूँ, तो यहाँ डिले में 500 का डाल देता हूँ, 500 मिली सेकेंड्स मतलब हाफ सेकेंड। अब मैं इसे कर रहा हूँ अपलोड, ये कोड हो चुका है, कोड अपलोड हो चुका है। चलिए आउटपुट चेक करते हैं।